मध्य प्रदेश के रतलाम में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक ने उनके कामों और बीजेपी पार्टी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास की गति लगातार बढ़ रही है। डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 2018 में रतलाम के विकास के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाते हुए रतलाम में 1800 हेक्टेयर में 1800 करोड़ की लागत से विशेष निवेश क्षेत्र की घोषणा की। यह क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 4 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा और इससे रतलाम में बड़ा निवेश होगा। साथ ही विधायक ने कहा कि इससे यह क्षेत्र एक बार फिर औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। मैं दौरे पे हूँ, मैं जनता के समक्ष में दुख बांटने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए आज रतलाम में हूँ, मंदसौर में हूँ, बदनावर में हूँ, पिपलौदा में हूँ, जौरा में हूँ, धार में हूँ, इंदौर में हूँ। कल मेरा मंदसौर नीमच का दौरा रहा, परसों मेरा देवास उज्जैन का दौरा है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हूँ और उसी शैली में कार्य कर रहा हूँ।